अनुराग ठाकुर खेल मंत्री सीधे लिए चलते हैं, आपको बोल रहे हैं कुछ। बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है सर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हर बार बोले जा रहे हैं कि हर दिशा से गवर्नमेंट बनना होता है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक फाइनेंशियल बट स्पोर्टिंग पावर हाउस भी बनना पड़ेगा, और उसके वजह से हर बार हम देख रहे हैं कि वो सबको देखिए खेलों में हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, बहुत आगे जाना है, अभी तो शुरुआत है। और मैं तो कहूँगा शुरुआत अच्छी है, क्योंकि मात्र 4-5 साल पहले टॉप स्कीम की शुरुआत हुई, जिससे एलीट एथलीट्स को वो सुविधाएं देने का प्रयास किया गया। आगे और इसमें संभावनाओं को बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर अगर आप देखें 1983 में वर्ल्ड कप जब पहली बार जीते, कपिल देव उसके कैप्टन थे, तो उससे पहले शायद ही कोई सोचता होगा भारत विश्व कप। और सीधे किरण रिजिजू जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, केंद्रीय मंत्री। बधाई किरण जी आपको बहुत बहुत। कैसा महसूस कर रहे हैं? पूरा देश आज गर्व की अनुभूति कर रहा है, आपकी क्या इस वक्त प्रतिक्रिया है? देखिए सबसे पहले तो ये एक ऐतिहासिक पल है। हमने एथलेटिक्स में ओलंपिक्स कभी भी मेडल नहीं पाए हैं, और पहली बार मेडल मिला है, वो भी गोल्ड मेडल मिला है, तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पल है। मिल्खा सिंह जी का जो आखिरी समय मुझे बात किया था, तो वो कहा कि एथलेटिक्स में मेडल जीतते हुए देखना चाहता हूँ, तो वो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उनको एक हम ट्रिब्यूट कर सकते हैं, डेडिकेट कर सकते हैं। आज नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है एथलेटिक्स में। आप जानते हैं एथलेटिक्स कोर होते हैं ओलंपिक्स का, और इसमें मेडल जीतना बहुत बड़ी बात होता है। इसका जो है हम ये कह सकते हैं कि भारत का एक खेल महाशक्ति बनने का जो सपना है उसका अभियान शुरू हुआ है। ये टोक्यो ओलंपिक्स हमारे लिए बहुत डिफाइनिंग मोमेंट है। किरण जी मैं विक्रांत बोल रहा हूं, आपको भी मुबारकबाद, क्योंकि आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे थोड़ी देर पहले तक, तो मैं समझ सकता हूं कि आप और अनुराग ठाकुर इस वक्त शाम को दोनों इकट्ठे मिलेंगे, एक साथ आप इस जीत को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि भारत आज एक गोल्ड मेडल लेकर आया एथलेटिक्स में, यह बहुत बड़ी बात है। 7 मेडल भारत के, लंडन ओलंपिक्स को हमने पीछे छोड़ दिया, अब क्या? क्योंकि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो चौथे नंबर पर आए, अदिति अशोक को लें, आप विमेंस हॉकी टीम को लें, कई दीपक पुनिया को लें, इन सब के लिए हमने क्या सोचा है? इनके लिए व्यापक रूप से जो तैयारी हमारे समय में किया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया लागू किया, उस पे सब कुछ समाहित है। और मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि हम लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में टारगेट किया है टॉप 10 पहुंचने का, उसके लिए जो जो व्यवस्थाएं खड़ी की है, उसमें से एक व्यवस्था ये है कि जो लोग ओलंपिक्स में बहुत क्लोजली जो फाइट किया और मिस कर गया, बहुत ही क्लोज मैंने कम मार्जिन से मेडल में चूक हो गई है, उनके लिए व्यवस्था अलग होगा। जो चैंपियन एथलीट्स को छोड़ के भी बाकी जो यंग एथलीट्स है उनका व्यवस्था अलग से किया गया है। टॉप्स जूनियर हमने तैयारी की है ताकि वो अगले 5-6 साल में ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाएंगे, तो तैयारी पूरा व्यापक रूप से बनाया हुआ है। और जब हमने इसका ऐलान किया था कि हम टॉप 10 में पहुंचेंगे 2028 तक में, तो उसका तैयारी कर चुके हैं। ये एक नमूना है टोक्यो ओलंपिक्स में, और ये टोक्यो ओलंपिक्स भारत का खेल का इतिहास का टर्निंग पॉइंट होगा, और यहाँ से एक महाशक्ति एक बनने के लिए खेल के क्षेत्र में उसका अभियान का शुरुआत होता है। ये बहुत राहत की बात है किरण जी जो आप बोल रहे हैं। इससे न सिर्फ वो खिलाड़ी जो मेडल से चुके हैं लेकिन शानदार प्रदर्शन किया, बल्कि हमारा युवा वो बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। बहुत धन्यवाद किरण जी आज तक से बातचीत करने के लिए। गर्व का पल, पूरे देश में मन रहा है जश्न, और भारत को टोक्यो ओलंपिक में हमेशा हमारे लिए गर्व और गौरव का दिन रहेगा। हरियाणा के मंत्री हैं और जबरदस्त जोश और खरोश है, और ये सेना के हमारे जवान हैं। क्योंकि क्या 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 आप गगन से या अवनीश से पूछ सकते हैं कि क्या हम बजरंग पुनिया के घर जा सकते हैं? अवनीश पालीवाल से अगर हम कनेक्ट हो, क्योंकि हम बजरंग को भुलाएं ना, ठीक है, और हम ये जानना चाहते हैं कि नीरज के घर पर बजरंग की जीत और बजरंग के घर नीरज की जीत ये कैसे सेलिब्रेट हो रही है? ठीक है नीरज, मुझे लगता है कि अगर वो हम कर पाए नीरज और बजरंग के घर, हम अवनीश हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से जी बिल्कुल, और अब उनको ये काम करना हो निवेदन करेंगे जी। नीरज के घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बजरंग पुनिया के घर भी हम आपको लिए चलेंगे। भारत के लिए आज ऐतिहासिक पल है, और इस ऐतिहासिक पल को पूरा देश मना रहा है। पूरे देश में एक दूसरे को बधाइयां देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपके पास भी विक्रांत, आई एम श्योर
सैकड़ों की तादाद में मैसेज आ रहे होंगे आपके व्हाट्सएप पर। मैं ये सोच रहा था कि अभी तक भंगड़ा हुआ क्यों नहीं। हो गया भंगड़ा, हो गया। मतलब किसी भी खेल में जीत अगर मिलती है तो भंगड़ा होता है, तो भंगड़ा के बिना कैसे। लेकिन इस लड़के ने, नीरज ने बहुत प्रभावित किया है विक्रांत, इसके फिटनेस ने, इसके बाल काटे हैं, कॉन्फिडेंस ने, इनके बड़े लंबे लंबे बाल थे जैसे महेंद्र सिंह धोनी के लंबे लंबे बाल हुआ करते थे, फिनोमिनल जिसे कहते हैं ना कि मतलब। और ये फ्रीक परफॉर्मेंस नहीं है, कभी कभी क्या होता है एक फ्रीक परफॉर्मेंस हो जाती है, एथलेटिक्स में फ्रीक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपका शरीर है भाई। देखिए शूटिंग में या बाकी इवेंट्स कई ऐसे होते हैं जिसमें आपका उस वक्त का खेल, आपका उस वक्त का हार्ट बीट, ये सारी चीजें हैं। एथलेटिक्स ऐसी चीज है, स्विमिंग ऐसी चीज है, आप अपने शरीर को एक स्टेज तक लेकर जा सकते हैं, उसके बियॉन्ड नहीं। यहां पर ये फ्रीक परफॉर्मेंस ये हो सकती है कि भाई मेरे से आज खराब दिन हो गया, जो बेटर के साथ हुआ। लेकिन जो जीता है गोल्ड उसका दिन कभी ऐसा नहीं होता कि यार ये कैसे इतना अच्छा हो गया। अभिनव का जिक्र आपने बार बार विक्रांत किया था, वो एक गर्व का पल था जब अभिनव को इंडिविजुअल इवेंट में गोल्ड मिला था, और आप बार बार जिक्र कर रहे थे कि ये जो गैप आया है 2008 और 2020 के बीच का, ये जो गैप आया है ये गैप अब धीरे धीरे और कम होता जाएगा आने वाले, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जब आप कभी गोल्ड ही नहीं जीते थे इंडिविजुअल, आपको कितने साल लग गए, 2008 में पहली बार जीते ना, उसके बाद आप 13 साल में एक और जीत गए, तो 13 साल हो सकता है कि 4 साल मतलब 3 साल आएंगे और गोल्ड मेडल्स आएंगे, क्योंकि आप विश्व अगर स्पोर्ट्स मैप को देखें, पहले यूएस, यूएसएसआर ये डोमिनेट करते थे, फिर चीन आया, जापान आया, जर्मनी था, अब सब जीत रहे हैं, अब मेडल्स जो है वो बट रहे हैं उस लिहाज से देखा जाए। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा दिलचस्प ये बता दूं कि चूंकि नीरज चोपड़ा और अभिनव बिंद्रा दोनों चंडीगढ़ में थे, तो अभिनव बिंद्रा से नीरज ने कई बार साइकोलॉजी ये सारी चीजें सीखी कि स्पोर्ट्स में जब दबाव होता है उसको हैंडल कैसे करना है। तन्मयता के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आत्मविश्वास के साथ ओलंपिक में खेल रहे हैं। ताकि वो उन्होंने सेशंस लगाए उनके साथ, नीरज चोपड़ा ने वक्त लगाया है अभिनव के साथ कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दे दी है, और ये वाकई एक ऐसी उपलब्धि है जिस पर पूरे देश को गर्व है। सर आंखों पर आज देश नीरज चोपड़ा को बैठा रहा है, और ये वाकई बहुत शानदार रहा है, क्योंकि ओलंपिक्स में जिस तरह से भारतीय दल ने, चाहे वो इंडिविजुअल इवेंट्स हों चाहे हॉकी हो, सभी ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, मेडल मिलना ना मिलना अलग बात होती है, लेकिन आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका जज्बा वो महत्वपूर्ण होता है, और उस पर अगर गोल्ड मिल जाए, उस पर अगर सिल्वर या ब्रॉन्ज मिल जाए तो सोने पर सुहागा होता है। हम कई सारे इवेंट्स में मेडल से चूके हैं, लेकिन इंडिविजुअल मेडल जीत कर गोल्ड दिलाकर आज नीरज ने पूरे देश को खुशी मनाने का मौका दिया। विक्रम बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इस वक्त हम सबके हीरो द ग्रेट धर्मेंद्र पाजी भी हमारे साथ हैं। पाजी बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, आज तो हिंदुस्तान ने गोल्ड मेडल जीता है, वो भी जैवलिन थ्रो में। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी, सच ए हैप्पी न्यूज के दे हैव डन इट। नीरज के मे गॉड ब्लेस हिम, और उसकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत ही खुशी की खबर दी है आपने मुझे। तरह पाजी क्या आपने ये जैवलिन थ्रो का फाइनल देखा, या आपने ओलंपिक्स में बीच बीच में देखा है? मैं देख नहीं पाया, मैं जरा लोनावेला में था, तो यहाँ जरा नेट प्रॉब्लम है, बट न्यूज ने तो मुझे एकदम जवान बना दिया है। नहीं नहीं, आप धर्म जी, आप हमेशा से जवान हैं, आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत, सबसे डैशिंग, माशाल्लाह सबसे सबसे प्यारे हीरो रहे हैं सर, और हैं अभी भी आप हमारे हीरो। नहीं, आई लव यू ऑल, सारे बहुत प्यारे हैं मुझे, ये प्यार ही से तो सब कुछ होता है जिंदगी में, ये मिलकर। नहीं, और धर्म जी ये भी है कि नीरज चोपड़ा ने एक मिसाल इसलिए भी की है क्योंकि अब आपका जमाना था उस वक्त द फ्लाइंग सिख,
मिल्खा सिंह जी का जमाना था एथलेटिक्स में, भारत वर्ल्ड स्तर पर ऐसा नहीं था कि आप ओलंपिक्स गए और गोल्ड जीत आए, आपने कभी मेडल भी नहीं जीता था। आज खुद आपको भारतीय खेल के लिए कैसा लग रहा है? बहुत बहुत ही, मैं बता नहीं सकता कि इतना खुश हूं मैं। आई फील लाइक डांसिंग। बहुत पूरा देश डांस कर रहा है सर। ये जो कर रहे हैं हमारे भारतीय बच्चे बच्चियां, मैं आई एम प्राउड ऑफ देम रियली। क्या इवन हॉकी टीम्स बोथ साइड सच ए लवली, दे प्लेड सो वेल। आपका फेवरेट इवेंट कौन सा होता उस वक्त? तो पंजाब में हॉकी थी ज्यादा मेरे वक्त में तो, मगर मैं एक दफा कहा भी था कि ये मेरा जी चाहता है मैं जाऊँ, मैं भारत माँ के लिए तिरंगा लहराए और मेडल लेकर आऊ, किसका दिल नहीं चाहता। नहीं धर्मपाल जी, लेकिन ऐसी खुशी तो ये बयान नहीं की जा सकती। बेशक, और आप हमारे हीरो हैं, आपने हम सबको, जैसे आज नीरज ने हमें खुशी दी है ना, वैसे बरसों से आप हमें खुशी देते आ रहे हैं, और हमें नहीं, हमारी हमारे हमारे पिताजी वाली पीढ़ी को, हमारी पीढ़ी को और हमारे बाद वाली पीढ़ी भी आपको बहुत प्यार करती है। आई नो खुश रहो, बहुत प्यार आपको और सावर ने तो मुझे सचमुच और भी जवान कर दिया यार। आप नीरज को, बजरंग को, ये खुशी छोटी नहीं है, खुशी बयान ही नहीं की। अब मैं काफी देर तक बस इसी में रहूंगा, महसूस आ गया। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, पार्टी कीजिए, शाम को, शाम हो चुकी है, पार्टी कीजिए, और बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, आज तक से बातचीत करने के लिए। धर्म जी, धर्मेंद्र हमारे हीरो बॉलीवुड के, फिल्म स्टार, बेहद खुश आज। अवनीश जी ने लेकिन जो हमारा काम था वो किया नहीं अभी तक। ठीक है, एक बार और निवेदन कर लेते हैं हमारे डायरेक्टर साहब से, अवनीश जी से, कि आप हमें नीरज और बजरंग के घर लिए चलते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, खट्टर साहब धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, बधाई आपको, आज बहुत खुश हैं आप, मिठाई भी खाई आपने, और बहुत 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 बधाई आपको सर। सर लेकिन ये खैर गलत फोरम हो सकता है, लेकिन हरियाणा ने हिंदुस्तान को अब खेलों में सबसे ज्यादा मेडल्स भी दिए हैं, शायद नीरज चोपड़ा से उम्मीद आपको थी? बिल्कुल बिल्कुल, नीरज चोपड़ा से उम्मीद थी कि वो निश्चित रूप से जेवलिन थ्रो के अंदर, पहले भी उसका रिकॉर्ड अच्छा था, तो वो इस बार कहीं ना कहीं अच्छे स्थान पर जाएगा, गोल्ड जीत लेगा। ये तो आज आखिरी क्षणों के अंदर जब उसकी थ्रो चल रहे थे निश्चित ही हो गया था, क्योंकि सभी 12 खिलाड़ियों में उसने सबसे पहले और दूसरे अटेम्प्ट में ही जिस प्रकार 87 मीटर से आगे उसने थ्रो किया, उसी समय ध्यान में आ गया था शायद ही कोई 87 मीटर पर पहुंच पाएगा, और आखिर तक 12 खिलाड़ियों ने सबने जोर लगा लिया, 6-6 अटेम्प्ट सबके हुए, और जो सेकंड अटेम्प्ट में ही नीरज जी का जो 87.58 मीटर का जो रिकॉर्ड बना वो गोल्ड लेकर के आया, इसकी उम्मीद हमको शुरू में ही लग गई थी। मनोहर जी, आज आपने एक बहुत बड़ी खुशी दी है हरियाणा पंजाब के साथ साथ पूरे देश के खिलाड़ियों को, सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस बनाने की जो घोषणा आपने की है, ये क्या परिकल्पना है आपकी? इससे कैसे, क्या सिर्फ हरियाणा पंजाब के बच्चों को मदद मिलेगी या देश भर के बच्चे यहाँ आकर सीखेंगे, क्या सोच के आपने ये घोषणा की आज? देखिए, सोच तो हमारी ये है कि हरियाणा के बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर वहाँ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बनेगा उनकी ट्रेनिंग का एक प्रारंभ किया जाए, लेकिन जैसे ही नीरज चोपड़ा लौटेंगे उनके साथ बातचीत करके उनको उसका प्रमुख हेड बनाने की बात हमने विचार की है, वो हमें आते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो नेशनल इंटरनेशनल जहां जाके भी खिलाड़ी आएंगे निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरणा भी मिलनी चाहिए, वो आगे भी बढ़ेगा। तो यही है जी आखिरी सवाल मनोहरलाल जी की, हरियाणा का ये घी है या लड्डू है जो इतने सारे मेडल आ रहे हैं? क्या कहेंगे आप, खांडरा विलेज को कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे दुनिया के सामने रोशन किया है जी। मेरे हिसाब से तो उसने पूरे देश का नाम रोशन किया है, अपने जितने भी आसपास के गांव हरियाणा में या किसी भी स्टेट में, देश में हैं,
अपने देश में जितनी भी स्टेट है सभी में अगर फैसिलिटी दें तो सभी से बच्चे निकल के आएंगे, हमें पूरी उम्मीद है बहुत बच्चे निकल के आएंगे। सो दैट वाज सतीश चोपड़ा नीरज चोपड़ा फादर, एज यू हर्ड हिम से वेरी एक्साइटेड अबाउट द विन एंड ही कांग्रेचुलेटेड एवरी। ये आपका चल रहा लाइव जी ने ये कहा है कि ये देश के लिए गौरव की बात है, पूरे देश का नाम मेरे बच्चे ने रोशन किया है और ये सच है, ये बिल्कुल सच है कि नीरज ने आज देश का नाम रोशन किया है, भारत का तिरंगा टोक्यो में लहराया है, देश की शान बढ़ाई। बिल्कुल, और हम आज तक पर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं हमें जी, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब सेलिब्रिटीज के आ रहे हैं, मतलब जो आम क्रिकेट फैंस हैं, जो देखने वाले हैं, जो स्पोर्ट्स फैंस हैं उनका। अच्छा, लोगों ने सईद भाई पहली बार मैंने देखा है क्रिकेट को भुला दिया। बिल्कुल, टेस्ट मैच चल रहा है मेरे जैसा भी, मैं भी टेस्ट मैच नहीं देख रहा हूँ, मैं भी यही सब देख रहा हूँ। हरियाणा के मंत्री अनिल विज वोकल रहते हैं, काफी बोलते रहते हैं, देखिए आपके मंत्री जी और जबरदस्त भांगड़ा कर रहे हैं। जो भांगड़ा जी आपकी आपकी जो डिमांड है, मैच ये अपने दोस्तों के साथ बैठ के देख रहे थे गली में बैठ के, आपने वो नहीं देखा, उसे फोन पे देख रहे थे। ये गौरव का क्षण होता है, इसे कहते हैं सर ऊंचा होना, इसे कहते हैं सीना चौड़ा होना। बस मेरा एक वर्ड ऑफ कॉशन रहता है ऐसे मौकों पर, वो ये रहता है कि जब अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था तो मुझे थोड़ा अटपटा लगा, उन्होंने कहा कि मैंने अपने आप से पूछा अब मैं क्या करूं, अब मैंने गोल्ड जीत लिया, अब तो मैंने सब कुछ जीत लिया। ये विदेश में नहीं होता ऐसा, विदेश में नहीं होता कि एक गोल्ड मेडल जो है सपना पूरा हो गया और कहानी खत्म। नीरज चोपड़ा ने आज जो किया है, मिसाल तो बनेंगे लेकिन खुद भी ऐसा नहीं कि चलो मैंने यार अपना एक सपना पूरा कर लिया, एक और मेडल लेके आना है अगली ओलंपिक्स में, ये उनका जज्बा। बेशक बिल्कुल ठीक, जो पीवी सिंधु ने किया, जो सुशील कुमार ने किया। आज सुशील कुमार जिन भी वजहों से जेल में है वो अलग बात, लेकिन सुशील कुमार जैसा खिलाड़ी हिंदुस्तान बहुत रेयर था। नहीं लेकिन विक्रांत एक बात, हम बहुत अच्छा किया आपने सुशील कुमार का जिक्र यहाँ पर कर दिया, एक बात कहना चाहिए, देखिए जब आप तरक्की करते हैं चाहे वो खेल में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, व्यापार में हो, कहीं भी हो, सभी ने तो आपको अपने पैर जो हैं वो जमीन पर और मजबूती से जमाने चाहिए, आपको किसी भी ऐसी बुराई, किसी भी ऐसी बुराई से बचना चाहिए। सुशील को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कितने सारे वो हमारे शोज में भी आते रहे थे, और जैसे जैसे हम उनको कहेंगे बाद में वो करेंगे पहले, वो इतने हेल्पफुल थे। तो ये गलत बात है, ये हमारे युवा को आज सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि अगर हमारा हमारी एक गलती, हमारी जरा सी चूक, गलत संगत हमें किस रास्ते पर ले जाती है। आज आपके पास मौका होता है, आप पूरे देश को गौरवान्वित कर सकते हैं, आप पूरे देश को झूमने का मौका दे सकते हैं विक्रांत, आप पूरे देश को खुशी दे सकते हैं, पूरे देश का सीना चौड़ा कर सकते हैं। इस वक्त सबका सीना चौड़ा है, लेकिन एक गलती आपकी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जीवन बर्बाद, यहीं से आपका इम्तिहान शुरू होता है, और यही तो इस वक्त देश का आपका सारा सीना जो आप चौड़े की बात कर रहे हैं वो हुआ है, वो नीरज चोपड़ा ने किया जी। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश भर में जश्न मन रहा है, और सेना की तस्वीरें इसलिए क्योंकि नीरज खुद एक स्पोर्ट्स कोटे में उन्हें सेना में नौकरी मिली है, और अब तो एक और जिम्मेदारी उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से दी जा रही है, सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस की स्थापना होगी, उसके प्रमुख भी नीरज होंगे। उधर पानीपत में जबरदस्त जश्न मन रहा है, लेकिन तस्वीरें ये हम आपको दो जगहों की जरूर दिखा रहे हैं, देश भर से इस तरह की खबरें आ रही हैं, जश्न मन रहा है, बधाइयों का सिलसिला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है, टोक्यो में उन्होंने इतिहास रचा है, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, बांटी जा रही हैं, और वाकई देश के लिए बहुत बड़े गौरव का क्षण। विक्रांत वाकई 7 मेडल है जी। आज हम बजरंग और नीरज की बात कर रहे हैं, भूले ना कि इससे पहले मीराबाई चानू, सिंधु, लवलीना, हॉकी टीम, रवि दहिया, 7 मेडल भारत के आए हैं, और एक ऐसा ओलंपिक जो पहले दिन आपको मेडल मिला फिर खाली हाथ, क्योंकि शूटिंग ने आपको निराश किया जी, और हमें लगा यार बस 2 मेडल तो आएंगे कि नहीं आएंगे, रियो से बेहतर होंगे कि नहीं होंगे, फिर हम बीजिंग के बराबर पहुंचे, आज हमने लंदन को पीछे छोड़ दिया, क्या बात। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज सुबह अदिति अशोक उस 17वें होल पे जो लास्ट शॉट था वो अगर बर्डी हो जाता, वो एक उनको और अंडर चली जाती वो,
तो उनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता, लेकिन वो बेचारी चौथी रही। आप नीरज के बारे में और बताइए विक्रांत, क्योंकि हमारे लिए अच्छी बात यह है आपका यहाँ होना, और खुशी इसलिए दे रहा है कि आपके कॉलेज के आपके जूनियर आपसे मुलाकात हुई। अरे ठीक है, शायद मेरे से आधी से भी आधी उम्र के होंगे। नहीं नहीं, ले आप इतने भी उम्र दराज नहीं है, तो कुछ दिन पहले आपसे मुलाकात भी हुई, कुछ साल पहले और उस वक्त वो शुरू कर रहे थे, उनका नाम था, और जैसे मैंने कहा मैं डीएवी कॉलेज स्पोर्ट्स मीट होती है तो उन्होंने मुझे बुलाया था, तो मैं गया, तो चंडीगढ़ गया, तो फिर प्रोफेसर रविंद्र चौधरी जो है इन्होंने ही मिलाया था मुझे, इन्होंने कहा कि यार ये बहुत अच्छा लड़का है, ये हमारा, तब ये नेशनल लेवल पर काफी इनका नाम हो गया था, तो वही जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने कहा एशियन गेम्स भी जीता था मुझे एग्जैक्टली याद, गोल्ड मेडल नहीं है इनके पास, अच्छा ठीक, मेरे ख्याल गोल्ड मेडल, कोई बात नहीं, हम अभी की बात करते हैं। तो उस वक्त, और ये उस वक्त फिट होना शुरू हुए थे, लंबे लंबे बाल थे मुझे अभी भी याद है, और मैंने वही जो होता ना कि इनको कहा कि यार नीरज इतना करना कि आप हमें और अपने कॉलेज को इतना नाम रोशन करना कि एक बार आज तक पर आपका इंटरव्यू करूंगा। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई है, क्योंकि आप जानते हैं मैं क्रिकेट के अलावा और कोई खेल मुझे कवर करने को दिया नहीं जाता। लेकिन ऐसा नहीं, आप हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हैं, देखिए तो नीरज आज तक पर जो भी स्पोर्ट्स की इवेंट या स्पोर्ट जो भी दिखाया जाता है वो आप उसके करता था, लेकिन बहुत जल्दी आपको नीरज चोपड़ा आज तक पर अभी दिखाई देंगे, थोड़ी देर बाद आपको बजरंग पूनिया का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखेगा, तो ये दोनों इंटरव्यूज आपको बहुत जल्द, क्योंकि नीरज तो अभी इस वक्त उनका डोप टेस्ट चल रहा होगा, जब मेडल सिंधु का भी मेडल जीतने के बाद सबसे पहला इंटरव्यू, सबसे पहले हर इंटरव्यू आपको आज तक पर ही दिखाई दिया है, रवि धैया का इंटरव्यू भी आपको आज तक पर दिखा, और कहीं किसी चैनल पर नहीं था। मैं ये कह रहा था क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जी, आपका भी डोप टेस्ट होगा, डोप टेस्ट होगा जीतने के बाद, डोप टेस्ट जी जीतने के बाद डोप टेस्ट होगा, और उसके बाद जब आप मिक्स जोन में जाते हैं, मिक्स जोन मतलब जो बाकी जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान या हिंदुस्तान के बाहर के, उसको मिक्स जोन कहते हैं, वो आपसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और जो टेलीविजन कैमराज होते हैं वो वहाँ पर अलाउड नहीं होते, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो है वो वेन्यू पे नहीं कुछ कर सकता, तो मेरे ख्याल नीरज चोपड़ा के वेन्यू पर बोरियाँ हैं, और बजरंग पूनिया का जो इवेंट था उस वेन्यू पर राहुल थे, और चूंकि अभी मेडल मिला नहीं है, क्योंकि ये तो मेडल मिलेगा ना अभी, ये तो जनगण मन की आवाज आपको सुनाई देगी, हमारा नेशनल एंथम बजेगा, हम मिस कर गए, हमने मेडल देखा ही नहीं, तो ये इंटरव्यूज आपको बहुत जल्द मिलेंगे, आज तक इंतजार करेंगे कि आज तक के दर्शकों, आज तक के चाहने वालों को, ठीक है कोई बात नहीं, तो ये एक बहुत ही बड़ा गर्व का क्षण है, एक ऐसा पल है जब आज पूरा देश हमारा खुशियां मना रहा है, और उस खुशी में प्रधानमंत्री से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री तक शामिल हैं, तमाम मंत्री जो ऐसे हैं, अनिल विज और दूसरे जिनकी तस्वीरें डांस करती हुई भांगड़ा करती हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रेया हमारी संवाददाता ने नीरज के परिवार वालों से बात की, हम जल्दी से आपको सुनवा देते हैं। जी बहुत खुशी हो रही है, अभी मैच चल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। और आप क्या कहना चाहोगे, मतलब ये देख के कि नीरज अपना प्रदर्शन बेहतर किया सेकंड अटेम्प्ट में? जी हमें और भी ज्यादा करने की उम्मीद है, जैसी तैयारियां हैं तैयारियों के अनुरूप हमें और भी बेहतर करने की उम्मीद है, वो देश के लिए बढ़िया करेगा। पूरा गाँव अभी यहाँ पे मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है, खास तौर से पानीपत, उससे पहले आपने देखा था बजरंग पूनिया के घर, और तकरीबन एक डेढ़ घंटे में भारत को दो मेडल्स मिले हैं, सात मेडल है भारत के, और एक जो कॉलम खाली थी, जो एक खाना खाली था गोल्ड का, आज उस पर भी लिखा गया है नीरज चोपड़ा का नाम। तो भारत को इस ओलंपिक्स में एक गोल्ड मिला है, दो सिल्वर, चार ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर सात मेडल हैं, और जैसे ही आपको गोल्ड मेडल मिल जाता है तो भारत की जो मेडल्स पोजीशन पर जो जगह है उस पर एक लंबी छलांग लग चुकी होगी। India, 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 India,
चले ये देखो ये आपका चल रहा लाइव लाइव चल रहा है। भारत के हैं जी कुल मिलाकर 7 मेडल, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। और इतिहास इसलिए रचा गया है क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड में गोल्ड छोड़िए मेडल ही नहीं आता था पहली बार ना, पहला और सीधा पहला मेडल ही जो धोनी जो गोल्ड के साथ गोल्ड। कमाल है, कमाल है, वाह वाह वाह। नीरज चोपड़ा ने यहां इतिहास रचा है, स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक जिसे हम कहते हैं, और उसमें भी दुनिया के 12 दिग्गज खिलाड़ी थे। दो का जिक्र विक्रांत लगातार कर रहे थे कि ये दो बहुत खतरनाक है। भारत 47वीं जगह पर पहुंच गया है, मतलब इस वक्त मेडल्स टैली में भारत 47th है। 47 ठीक, 47वें नंबर पर है भारत इस वक्त मेडल्स टैली में ओलंपिक्स में। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, और अगर भारत का 1 सिल्वर और होता तो वो 44वीं पायदान पर होता, लेकिन फिलहाल भारत 47वीं पायदान पर है जी। इस वक्त सबसे ऊपर उम्मीद के मुताबिक चाइना ही चल रहा है, उनके 38 हैं, यूएस के 35, जापान होस्ट उनके हैं 26 गोल्ड। और ये वो तस्वीर है जो हम मिस कर गए, हम मिस कर गए, लेकिन सदा सदा ये तस्वीर याद रखी जाएगी। और ये वो पल है, ये देखिए दोनों हाथ ऊपर किए हुए नहीं, लेकिन हमें ये वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा मुझे और आपको। जनगण मन जब चल रही होगी, मुझे लगता है कि हमारे पीसीआर में स्टूडियो में भी सब खड़े हो गए होंगे, हम भी खड़े, इसीलिए हमें बताया नहीं उन्होंने। हाँ ये हो सकता है, इसीलिए हम मिस कर गए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन नीरज के लिए ये गौरव का क्षण, और ये नीरज की जीत नहीं है, ये देश की जीत। ये नीरज चोपड़ा का मेडल नहीं है गोल्ड, ये देश का गोल्ड है। और आज हर भारतवासी ये महसूस कर रहा है कि उसने ये गोल्ड जीता है। और विक्रांत देखिए ये तस्वीर नीरज की, जब आप मिलेंगे अगली बार तो इस तस्वीर की याद दिलाइएगा और कहिएगा कि ये तस्वीर देखकर हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ था, गर्व से उसका सीना फूला था। और खेल मंत्री नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन किया, टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड मिला, अनुराग ठाकुर ने यह कहा। खुशी इस बात की है कि इन्होंने क्वालिफाइंग में टॉप किया जी। और खुशी इस बात की है कि पहली थ्रो से इन्होंने आज फाइनल में भी डोमिनेट किया, लीड ले, मतलब ये नहीं कि पीछे से आ गए, ये हो गया बेटर, नो डाउट बहुत बड़े कंटेंडर थे वो, 90 के ऊपर 17 बार फेंक चुके हैं वो, उनके पास एबिलिटी थी, लेकिन आज क्या वो क्वालिफाइंग में भी अपने रंग में नहीं दिखे, तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि उनका आज खराब दिन था। क्वालिफाइंग राउंड्स में भी जब देखें आप, नीरज चोपड़ा नंबर 1 थे। हाँ, नंबर 1 तब थे, नंबर 1 आज है, बिल्कुल, और कोई पहचान नहीं पाया नीरज को। बिल्कुल, जो नीरज ने लीड ली सेकंड अटेम्प्ट जी, सेकंड अटेम्प्ट तो पहली भी उनकी थी। हाँ, पहली भी उनकी थी, उसी को बेहतर किया उन्होंने, अपने को बेहतर किया, तो मतलब 87.58 ये जो नंबर है ना 87.58, ये भारत के खेल इतिहास में ये आपने भूले स्वर्णिम अक्षरों से लिखा था, ये आपने भूले। जैसे कपिल देव 175 नॉट आउट, ये भी वही चीज है। तो जेवलिन थ्रो जिसे कि हम भाला फेंक कहते हैं, भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है देश के लिए। व्यक्तिगत स्पर्धा में, व्यक्तिगत इवेंट में वो स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए जी। लगातार विक्रांत जिक्र कर रहे हैं अभिनव बिंद्रा का, और उसके बाद ये गर्व, ये गौरव देश को हासिल करवाया है नीरज चोपड़ा ने। लेकिन हम कहीं बजरंग को भूल तो नहीं रहे, इसीलिए तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि बजरंग के घर भी चलिए। ऐश्वर्या पालीवाल जो हैं वो तब तो कह रही थी कि मैं लड्डू खा रही हूँ, अब देखे ना कि मतलब बजरंग के लड्डू और साथ ही साथ नीरज के लड्डू, मतलब डबल होगी ना आपकी डोज। तो आज हम एक बार फिर से बता दें, बहुत देर से हमने वो जिक्र नहीं किया बजरंग का। बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज जीता है आज, पहलवान, दो पहलवान है आज देश के। हालांकि राहुल जो कह रहे थे, हमारे सहयोगी राहुल रावत कह रहे थे ना कि बजरंग जब मेडल लेकर आएंगे खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो गोल्ड के लिए गए थे, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप वेटर देखिए ना,
बेटर तो सचिन तेंदुलकर थे ना आज के इवेंट के, लेकिन आज बेटर आधी वक्फे पर ही बाहर हो गए। बेशक, तो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नीरज ने गोल्ड जीत लिया है, लेकिन बजरंग पुनिया को हमें नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आज ही, बस नीरज से कुछ देर पहले ही उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, यानी कि कांस्य पदक उन्होंने जीता है। दो पदक आज भारत के खाते में गए, बड़ी खुशी का दिन है भारत के लिए शनिवार, और सबसे बड़ी खुशी तो सोना है, वो गोल्ड है जो नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता है इस भाला फेंक प्रतियोगिता में। जो लीड उन्होंने बनाई है, सबसे पहला अटेम्प्ट उन्होंने किया, बेहतर फेंका, दूसरा अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा, और उसके बाद 12 दुनिया के 12 खिलाड़ियों में से कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके आसपास भी पहुंच पाता। ये भारतीय ओलंपिक इतिहास में, अगर आप चाहें तो आपको आज तक पर सुना सकता हूं, जो हम बात कर रहे थे ना प्रोफेसर रविंद्र चौधरी, उनकी उन्होंने मुझे वो वीडियो वो ऑडियो भेजा है जो उनकी बात हुई थी बिल्कुल, बिल्कुल। आज के फाइनल से पहले नीरज चोपड़ा के साथ, हम चाहेंगे आप सुनाएं तो प्लीज। अगर आप अवनीश, क्या हम सुना सकते हैं दर्शकों को? अवनीश, क्या हम सुना सकते हैं ये ऑडियो दर्शकों को? तो ये मैं अपने माइक से सुनाता हूं। ये प्रोफेसर रविंद्र चौधरी जिनकी हम बात कर रहे थे डीएवी कॉलेज, उनकी बात हुई है नीरज चोपड़ा से फाइनल से पहले, ठीक है? तो मैं वो बातचीत आपको सुनाता हूं। नमस्ते सर, थैंक यू सर। हाँ, बट बढ़िया, अपना आराम से अच्छे से फोकस करके खेल लें, कोई ज्यादा कोई प्रेशर वगैरह लेने या कोई है नहीं दिमाग में, अपना अच्छे से कोशिश करें, अपना बेस्ट करें और बिल्कुल अपना नेचुरल उसमें खेल लेंगे बढ़िया से। ये नीरज की आवाज है, नीरज बता रहे हैं उनको, ये एक बार फिर मैं आपको सुनाता हूँ फाइनल से पहले कि मैं अच्छा खेलूंगा और बिना प्रेशर के खेलूंगा, सुनिए। नमस्ते सर, थैंक यू सर। हाँ, बट बढ़िया, अपना आराम से अच्छे से फोकस करके खेल लें, कोई ज़्यादा कोई प्रेशर वगैरह लेने या कोई है नहीं दिमाग में, अपना अच्छे से कोशिश करें, अपना बेस्ट करें और बिल्कुल अपना नेचुरल उसमें खेल लेंगे बढ़िया से। रविंद्र चौधरी जो गुरु हैं नीरज के, उनके कॉलेज में प्रोफेसर हैं, विक्रांत को भी पढ़ाया है उन्होंने, और फाइनल से पहले उन्होंने फ़ोन किया था नीरज को और नीरज का हौसला बढ़ाया था और ये सलाह दी थी कि किसी प्रेशर में ना आए, राइट विक्रांत? बिल्कुल जी, बिल्कुल। और नीरज ने कहा कि कोई प्रेशर नहीं है सर, मैं आराम से बढ़िया। नहीं, आज जो कॉन्फिडेंस दिखा नीरज का वो अद्भुत था, वो कमाल था। और 100 वर्षों में अगर ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल अगर नीरज ने दिलवाया है तो उसके लिए उन्होंने मेहनत की थी, बरसों की वो मेहनत थी, फिटनेस पर काम किया था, जबरदस्त मेहनत का फल आज मिला है और वो हमने देखा। जी बिल्कुल, देखिए मेहनत के साथ साथ आपके पास एबिलिटी भी होनी चाहिए। बेशक, मतलब आप नीरज चोपड़ा की बात करते हैं कि 11 साल की उम्र में उनका वजन था 80 किलो, तो वो तो हमारा इस उम्र में है तो डर लगता है, तो आप अंदाजा लगाइए। माँ बाप ने पानीपत से उठ के, पानीपत अगर आप देखें एथलेटिक्स के लिहाज से क्या है, अगर हरियाणा की बात करते हैं शायद हॉकी या बॉक्सिंग या रेसलिंग में आप डाल देते हैं, लेकिन अगर उनके परिवार में या किसी ने ये कहा कि आप एथलेटिक्स में जाएं, ये बड़ी सोच थी या अलग सोच थी। उसके बाद वो चंडीगढ़ जाते हैं, चंडीगढ़ पंचकूला में ट्रेन करते हैं, वो 11 साल का बच्चा 80 किलो से आज ओलंपिक्स में मेडल लेकर आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एथलेटिक्स में आपको वर्ल्ड इवेंट्स बहुत खेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये नूरा कुश्ती नहीं है कि आपने घर में प्रैक्टिस कर ली और आपका काम हो गया, आपको वर्ल्ड इवेंट्स में जाना पड़ता है। कोरोना हुआ, कोरोना का सबसे नुकसान भारतीय खिलाड़ियों को हुआ, क्योंकि भारत रेड लिस्ट कंट्री बनता जा रहा था, दुनिया भर में आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। हम आपसे विक्रांत बात करने से पहले एक खबर बता दें कि बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है, न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को बधाई दी है बल्कि लता मंगेशकर स्वर कोकिला ने भी कहा कि देश को नीरज पर गर्व है और ये हमें सबको उन्होंने गर्व की अनुभूति करवाई है। तो पहलवान बजरंग पुनिया के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के कुछ ही देर बाद स्टार जेवलिन थ्रोअर एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। उनका सर्वश्रेष्ठ थ्रो 87.58 मीटर का रहा, यह भारतीय ओलंपिक इतिहास में
हम ये कह सकते हैं कि 100 वर्षों में ट्रैक एंड फील्ड में पहला मेडल है और इसके साथ ही ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले शूटर अभिरा बिंद्रा के बाद जो विक्रांत लगातार जिनका जिक्र कर रहे हैं दूसरे एथलीट बन गए हैं। भारत का आज 7वां मेडल भी है इस ओलंपिक में और हमने लंदन ओलंपिक्स 2012 में 6 का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। विक्रांत जी बिल्कुल तोड़ा है और आज तक पर आपने सुना था जीव मिल्खा सिंह खुद गोल्फर और द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बेटे थे। उन्होंने कहा था कि चूंकि मिल्खा जी हमें छोड़कर गए इसी साल तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर शायद ऊपर खुश हो सबसे खुश होंगे और मैं आपको अब सुनाता हूं कि पीटी उषा ने क्या कहा। प्लीज स्प्रिंट क्वीन पीटी उषा जो खुद लॉस एंजलिस 1984 वो 100th ऑफ अ सेकेंड से मेडल से चूक गई थी। उन्होंने कहा है पीटी उषा ने I have realized my unfinished dream today after 37 years. Thank you, my son. वाह। उन्होंने तस्वीर लगाई है नीरज चोपड़ा के साथ। पीटी उषा ने लिखा है I have realized my unfinished dream today after 37 years. Thank you, my son. वाह 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 वाह। देखिए सब सबको गर्व की अनुभूति और ये आज कोई देशवासी विक्रांत ऐसा नहीं है जिसे ये नहीं लग रहा है कि मैंने गोल्ड नहीं जीता है। आज हम सबको ये लग रहा है कि हमने गोल्ड जीता है, ये गोल्ड हम देश के लिए लेकर आए हैं और ये बड़ी बात है। और ये जो नीरज इस तरह का ट्रिगर मोमेंट आपके न सिर्फ एथलेटिक्स के लिए बल्कि आपके ओवरऑल ना खेल के लिए बड़ा जरूरी होता है और कहीं ना कहीं आपको ये मानना होगा जी ये आपके मुल्क के लिए हमारे मुल्क के लिए जी ये बड़ा जरूरी है मोमेंट। वाह। क्योंकि आप साल डेढ़ साल से देखें आप ज्यादा निराशा का ही सामना कर रहे थे और कभी कभी खेल के मैदान से जब इस तरह की खुशी आती है हमने क्रिकेट में तो अरसे से देखा है जब आप जीतते हो कोई बड़ी टूर्नामेंट तो आपके मुल्क का हमारा जो मूड है ऊपर चले जाता है, वो सेंटिमेंट ऊपर चले जाता है। आज आप देखिए इन इन ओलंपिक गेम्स ने ये जो अगस्त क्रांति आई है आज आप गोल्ड मेडल जीते हैं आपके 7 मेडल हो गए हैं ये आपके हिंदुस्तान के पल्स के लिए बहुत जरूरी है। पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, खेल से बड़ी कोई बात है नहीं, हमें जोश भरते हैं और आप ओलंपिक्स में और पूरे देश को एक एक सूत्र में पिरोते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये तस्वीर जो हमारे स्क्रीन पर है आज तक की नीरज की क्योंकि राइट्स इश्यूज होते हैं तो लोग ये जानना चाहते होंगे कि हम क्यों नहीं दिखा रहे मेडल सेरेमनी, वो हम दिखा नहीं सकते हैं लेकिन ये तस्वीर ठीक है वो रिकॉर्ड कर लेंगे वहां पे। हमारे साथ नीरज चोपड़ा की मम्मी जुड़ गए हैं। सरोज जी पहली बात क्या कहना चाहेंगे आप, आपके बेटे ने गोल्ड लाया देश के लिए? हाँ जी गोल्ड जीत के लिए आया जी, भारत के लिए बहुत खुशी हो रही है जी। ये कहानी हम सुने हैं जब से हम आए हैं कि नीरज को आप लोगों ने एक्चुअली पतला करने के लिए जिम भेजा और आज वो गोल्ड लेके चले आए, ये कहानी अगर आप लोग थोड़ा बताएं। बस यह उसकी मेहनत है जी, उन्हें इतनी मेहनत करी और कबात करी है जी तो आज ये रंग दिखाया गया। और जो कहानी ये भी कहा जाता है कि बचपन में वो क्योंकि थोड़ा वजन उनका ज्यादा हुआ करता था आप लोगों ने जिम भेजा, जिस जिम में जाके उनके किसी से दोस्ती हुई और वहां से उन्होंने जैवलिन उठा लिया। हाँ ये कहानी अगर आप थोड़ा हमें बताएं सबको दर्शकों को। हाँ जी जाकर देखा जी वहाँ जैवलिन फांक दे पाए और उसके दोस्त भी मिल गए, उनने बताया कि भाई तू कुछ गेम करके देख मेहनत तो कर रहा है। और ये जो बीचों बीच जब नीरज क्वालिफाई हुए उसके बाद आपसे बातचीत हुई, नीरज ने आपको फोन किया टोक्यो से? हाँ जी करा था। क्या कहा नीरज ने और आपने क्या कहा था कि आज उन्होंने मेडल लाए? बहुत खुशी करी बेटे जमा, खुशी का दिन आज आया है, अरे एक बरूर मेहनत करियो बेटे जमा का तेल जम सारा भारत बांट देख रहा है। तो क्या बचपन से आपको कहीं ना कहीं पता था कि उनकी मन है खेल कूद में और उनको जैवलिन में ही आगे जाना है या फिर उनके और भी कोई इच्छा थी या फिर बचपन से ही वो इसी में लगे थे? नहीं जी खेल कूद तो उसका बचपन से ही था, बचपन से खेलकूद। हाँ बचपन में था खेलकूद में। और फिर हमने सुना है कि 2012 में उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जीता था, उसके बाद बस उनकी सफर आगे चलती गई। तो ये जो एक हरियाणा के खांडरा गांव को आज उन्होंने देश के सामने, देश क्या दुनिया के सामने लाया है, क्या कैसा लगता है? मतलब पूरे गांव आज हम देख रहे थे एकदम एकजुट होकर मैच देख रहे। हाँ जी बहुत खुशी हो रही है जी, सारा गांव भी और भारत भी जमा खुश हो रहा है जी, बहुत इंतजार कर रहे थे उसका। तो नीरज जब पहले दिन घर आएगा क्या खिलाओगे आप नीरज को? चूरमा पसंद है जी। उसको क्या पसंद है? चूरमा। चूरमा तो चूरमा पसंद है जो नीरज की मम्मी कह रही है कि नीरज को पहले दिन वो बना के खिलाएंगे। और आप देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं बधाइयां दे रहे हैं और खुशी का माहौल है आज नीरज के घर पे। तो और आप ये बताएं कि प्रिपरेशन क्या करेंगे, घर सजाएगा नीरज के इंतजार में? हाँ जी क्या
बहुत खुशी होगी जी, डीजे बाजेगा और घर सजेगा, सारे माहौल होंगे बढ़िया जमा। तो जैसा कि आपने सुना कि खुशी का माहौल है और उन्होंने कहा कि जब पहले दिन नीरज घर में आएंगे तो चूरमा खिलाएंगे क्योंकि वो नीरज का सबसे पसंदीदा खाना है। वीडियो जर्नलिस्ट परमिंदर के साथ श्रेया चटर्जी आज तक। ये तस्वीर और सईद भाई मैं आपको बताऊं क्योंकि हम दोनों स्टूडियोज में बैठे हैं, हम तो मेडल सेरेमनी में नहीं देख पाए। क्रिकेट का जो टेस्ट मैच चल रहा है इस वक्त, तो जो कमेंटेटर्स हैं जिसमें द ग्रेट सुनील गावस्कर और सब थे, उन्होंने द मोमेंट नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता तो स्टूडियो में भंगड़ा किया है। क्या बात है, सुनील गावस्कर साहब ने गाना गाया है, उन्होंने कहा है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे, उगले हीरे मोती। तो मैं ये भी आप लोगों को शेयर कर दूं कि ये मेडल ये नहीं है कि एथलेटिक्स में आ गया और वहां पर जो लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं, वर्ल्ड कप चैंपियंस हैं, उन्होंने भी अपने स्टूडियो में भंगड़ा किया और एक गाना गाया है सुनील गावस्कर ने, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वाह वाह, आज हम सब गुनगुना रहे हैं, हम सब गा रहे हैं, हम सब खुश हैं और वो खुश हैं तो इस वजह से क्योंकि आज हमने ओलंपिक में गोल्ड जीता है और ये हमारे इस दौरान हम 4 कप चाय भी पी चुके हैं। नहीं, चार आप भूल गए, 6 हो गए, बड़े बड़े मग भर के ये और उसमें चीनी भी थी। चीनी लेकिन आज तो मुंह मीठा करना है। हाँ। घी शक्कर ऐश्वर्या लड्डू लेकर आ रही है। नहीं, ऐश्वर्या से बात कराइए ना, लड्डू कहाँ है, देसी घी कहाँ है। इंदौर से लड्डू आ गए, हमें मैसेज आ गया। चलिए वेरी गुड, देश भर में लड्डू बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दी जा रही हैं और क्या तस्वीर है ये वो गौरव गर्व का क्षण है आज। ये तस्वीर, ये फोटो, ये पिक्चर हर भारतवासी को गौरवान्वित कर रहा है। विक्रांत कैसा लग रहा है, आप तो खुद एक खिलाड़ी हैं भाई। पता नहीं, मुझे तो आज बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। क्यों पता नहीं। आहा, ये है गोल्ड और ये है वो भारत सबसे आगे, जो सुनील गावस्कर साहब ने बोला ना, प्लीज। हाँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वही चीज है। अच्छा लग रहा है लेकिन बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा है, पता नहीं क्यों। जब मैं यहां पर आया मुझे लगा मेडल आएगा, आपने कहा गोल्ड आएगा, मैंने कहा नहीं सईद भाई, गोल्ड तो नहीं आएगा, सिल्वर की लड़ाई होगी। मुझे याद है अभी इन्होंने पहली थ्रो फेंकी, आप बड़े एक्साइटेड हुए, आपने कहा वाह, मैंने कहा नहीं नहीं वो आएगा अभी 90 के बाद वाला, 90 वाला भी आएगा, 97 है उसका वैसे। अरे बाबा, वो शौक के लिए 90 के ऊपर फेंक देते हैं। अरे, लेकिन जब उन्होंने नहीं फेंका और दूसरा उनका वो जब वो गिरे, तब भी अंदाजा हो गया था कि नीरज चोपड़ा को कोई पकड़ नहीं पाएगा, ये अंदाजा हो गया था कि इनको अब पकड़ना बड़ा मुश्किल होगा। और जैसे हमने आपको वो सुनाया भी था ऑडियो क्लिप जो उन्होंने अपने प्रोफेसर रविंद्र चौधरी उनके साथ शेयर किया, उन्होंने कहा मैं मतलब मुझे उनकी आवाज में वो घबराहट नहीं सुनाई दी, उन्होंने कहा हाँ सर कोई बात नहीं, अच्छे से खेलूंगा, कोई ऐसी टेंशन नहीं है, हाँ मजे से खेलूंगा। नहीं देखिए, आप जैसी नजर तो हमारी नहीं है, लेकिन आज मतलब मेरी नजर थोड़ी कमजोर हो गई है। आपकी दृष्टि दूर दूर दृष्टि जो आपकी है और खेलों पर जो आपकी नजर रहती है वैसी नजर तो हो नहीं सकती हमारी, तो उसमें आपने महारत हासिल की है। लेकिन ये तस्वीर वाह वाह, ये जो तस्वीर है, ये दो जो फोटो हैं, हम बात विक्रांत से करते हुए इस तस्वीर को नहीं बता पाए आपको, ये वो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने आज देश का मान बढ़ाया है, ये वो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने आज हर देशवासी का गर्व से सीना चौड़ा किया है, ये वो नीरज चोपड़ा हैं जिन्होंने आज आपको हम सबको गौरवान्वित महसूस किया है। विक्रांत, ये तस्वीरें जिंदगी में कभी कभी आती हैं। अभिनव बिंद्रा के टाइम मुझे याद है जब उनको गोल्ड मेडल दिया जा रहा था और नेशनल एंथम चल रही थी, अभिनव बिंद्रा उनके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थी, बाद में उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ, क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट था जहां पर आप उस जोन में चले जाते हैं। उन्होंने कहा मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मुझे समझ नहीं आया कि क्या हुआ। आज आप नीरज चोपड़े के चेहरे को देखिए, आज आप बजरंग के चेहरे को देखें, बजरंग हालांकि मायूस थे, जो राहुल ने कहा कि वो मायूस होंगे कि मेरा गोल्ड नहीं आया, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, गोल्ड नहीं आया तो मेडल आ गया। उनसे पूछिए जिनको सबसे आज चुभता है चौथी जगह पर, अदिति अशोक सुबह सुबह जो दिल टूटा, आपकी विमेंस हॉकी टीम वो जो दिल टूटा, दीपक पुनिया, मैं और आप बैठे हुए थे यहां पे, 8 सेकंड दीपक पुनिया 8 सेकंड जीता हुआ मैच हारे थे दीपक, और ऐसा लगा दीपक पुनिया ने कहा मेरी टांग तोड़ दो,
लेकिन मैं मेडल लेकर जाऊंगा। वो 6-7 सेकंड की ग्रिप उनकी जो है ढीली हुई। तो आज आप नीरज चोपड़ा अगर गोल्ड मेडल लेकर आए, सिर्फ अपने लिए लेकर आए, देश के लिए लाए, ये जो आपके जो कंटिंजेंट गया है उनके लिए है, ये जो नहीं जीत पाए उनके लिए है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई शक नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस वक्त हमारे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री जुड़ चुके हैं। कैप्टन साहब बधाइयां आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? पूरे मुल्क को हो, अपने लड़के ने इतना अच्छा काम किया है, नीरज हैज ब्रोकन गॉट गोल्ड मेडल, इससे ज्यादा क्या खुशी हो सकती है। कैप्टन साहब भी थोड़ी देर पहले मनोहर लाल खट्टर जी भी थे और हम उनसे वही बात कर रहे थे कि ये चंडीगढ़ के ही किस्मत में लिखा हुआ गोल्ड मेडल, पहले अभिनव बिंद्रा गोल्ड मेडल जीते, अब हालांकि नीरज चोपड़ा का जन्म पैदाइश जो है वो पानीपत की, लेकिन चंडीगढ़ में ये भी रहे हैं, वहीं पर पढ़े। ये चंडीगढ़ या पंजाब या हरियाणा की बात नहीं है, मुल्क की बात है। टुडे द होल कंट्री इज प्राउड ऑफ नॉट ओनली हिम, इनके इनके अलावा हमारी जो हॉकी गर्ल्स की टीम है, जो लड़कों की टीम है, जो अपने हमारी पंजाब की वो डिस्कस थ्रोअर है, ऑल दीज पीपल हु हैव डन देयर बेस्ट। ओलंपिक्स कोई आसान बात नहीं है और स्टैंडर्ड्स बहुत बहुत हाई है, कॉमनवेल्थ गेम्स में हो जाता है, एशियन गेम में हो जाता है, लेकिन ओलंपिक्स इज प्लेस ऑफ इट्स ओन, इट्स इन नेशनल रिकग्निशन, एंड इस नेशनल रिकग्निशन में जो इन्होंने किया है, चाहे हमारे पंजाब के कह लो या चंडीगढ़ कह लो या हरियाणा कह लो, वी आर ऑल वेरी प्राउड। कैप्टन साहब पूरा देश खुशी मना रहा है आज, आप कैसे खुशी मनाएंगे? मना रहा है, वी विल ऑल 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 एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी, बहुत बार उनको उनको परिवार को उनको हमारी मुबारकबाद, और खास करके नीरज को अपने, ही इज डन अ ग्रेट जॉब एंड ही इज मेड इंडिया प्राउड। अच्छा, आप खुद शूटिंग करते थे और जाहिर तौर पर उस जमाने में जहां पर भारत में हॉकी ही सबसे बड़ा खेल था खेल के तौर पर, आज आप हिंदुस्तान की प्रोग्रेस कैसे देखते हैं खेल में, ओलंपिक्स में, क्योंकि आप हॉकी और बाकी इवेंट्स में भी जीत रहे हैं। मस्ट रिमेंबर, एक टाइम तो था कि सिर्फ हमारे हॉकी टीम जीतती रहती थी और कोई नहीं जीतता था, सिंगल इवेंट्स नहीं होती थी, थिंग्स देन ग्रेजुअली चेंज होने लगे, टाइम्स हो गए, आर ओन स्टैंडर्ड, यू नो, टू एंटर इनटू नेशनल स्पोर्ट, इनटू इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, आपको सही इक्विपमेंट की जरूरत है, जैसे शूटिंग में आई एम ऑल्सो सिल्वर मेडलिस्ट फॉर इंडिया इन द ओल्ड डेज इन द नेशनल गेम्स, बट द फैक्ट इज दैट दीज आर थिंग्स दैट ये जो अब टेक्निकलिटी इतनी आ गई वेपन्स में और स्पोर्ट्स में। मैं देख रहा था हॉकी गोल कीपर, मैं जब अपने स्कूल में था मैं गोल कीपर था हॉकी का, और ये इस किस्म के पैड जो पहन रहे हैं, प्रोटेक्टिव गियर वगैरह हमारे पास क्या होती थी, तो द वर्ल्ड इज चेंजिंग, जब वर्ल्ड चेंज होती है एडवांस होती है, दैट इज द वे यू नो इट इज, इंडिया हैज टू कीप अप, और मुझे बहुत खुशी है, एंड आई एम टोल्ड के द पर्सन हु डिड अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज बीन पटनायक जी फ्रॉम उड़ीसा अचीवमेंट्स, आई एम वेरी ऑल्सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर हिम। हमारे अपने स्पोर्ट्स क्लब के 6 लड़के हैं जलंधर से जो हॉकी टीम में वो खेले थे यहाँ जलंधर स्पोर्ट्स क्लब में। सो माई पॉइंट इज के एवरी वन इज डूइंग देयर बेस्ट, बट इवेंचुअली फाइनली इट कम्स डाउन टू जो इवेंट जीतता है, और आज नीरज चोपड़ा ने जो जीता है, दैट आई थिंक इज अ ग्रेट थिंग फॉर दिस कंट्री, अनफिनिश्ड बिजनेस, एंड आई एम श्योर आगे के समय में और भी हमारी लड़कियां और लड़के आएंगे। कैप्टन साहब, पीटी उषा ने कहा है कि अनफिनिश्ड बिजनेस, 37 साल पहले मैं फाइनल में पहुंची थी, आज माय सन हैज डन इट। मिल्खा जी नहीं है आज, हम उनको सब मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर मिल्खा जी होते तो फिर मिल्खा जी होते, बलबीर जी होते, बलबीर जी को मैं अभी दोनों हम सॉल्वर्स को खो बैठे हैं, इतने लोग होते हमारे अपने, प्रगट सिंह MLA also, and वो इंडिया के कैप्टन रहे, छोटे बलबीर भी रहे, मेजर ध्यानचंद तो सब हम जानते हैं कौन थे, हरिपाल कौशिक मेरी रेजिमेंट का था, चिमनी हमारी रेजिमेंट, ऑल नेशनल प्लेयर्स हॉकी में, सो दीज आर ग्रेट ग्रेट इवेंट्स एंड ग्रेट पीपल हु हैव ब्रॉट स्पोर्ट्स अप टू दिस पॉइंट, एंड आई एम श्योर ऑन आने वाले टाइम में भी और भी, अब हमारे इंडिविजुअल देखो बॉक्सर्स कितने, हरियाणा के रेसलर्स कितने अच्छा चल रहे हैं, आर ओन यंग लेडी फ्रॉम मलोट जिसने डिस्कस में शी केम सिक्स, इट वाज बैड लक, दिस हैपेंड, बट दीज आर द थिंग्स दैट ऐसी बातें होती हैं जब इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज हो, एंड वो जरूरत अब हमारे स्टेट्स को सबको है कि हम फैसिलिटीज क्रिएट करें। और आप लोग कर रहे हैं कैप्टन साहब, आपको जो उम्मीद है? आई एम डूइंग इट, वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग एज मच एज वी कैन,
अभी हम स्टेट्स सारे हम वी आर पुटिंग जिम्स एवरीवेयर, हम काफी हॉकी ग्राउंड बना रहे हैं. हॉकी इज ऑफ कोर्स हमारा, अभी इधर एस्ट्रो टर्फ मैंने लगवाई है पिछले महीने सिर्फ. So we are trying our best to do as much as we can. पंजाब हरियाणा से कैप्टन साहब, ये सच्चाई है कि जो खिलाड़ी निकलते हैं वो देश के दूसरे युवाओं का भी हौसला बढ़ाते हैं. बहुत धन्यवाद आपका आज तक से बातचीत करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह. मुख्यमंत्री नीरज चोपड़ा ने अभी कहा है कि आज कुछ अलग करने का सोचा था, कर दिया, कुछ अलग करना था और वो कुछ अलग कर दिया है. गोल्ड मेडल के बारे में नहीं सोचा था लेकिन कुछ अलग अलग करने के लिए सोचा था और वो अलग यही था. आज कुछ अलग करना अलग अलग ये था विक्रांत कि वो 87.58 मीटर भाला फेंकना था. जी बिल्कुल, जिसका कोई आसपास नहीं पहुंच पाया वहां तक. ये अलग है और ऐसे ही अलग करना चाहिए. कहने का मतलब कि मैं सिर्फ गोल्ड के लिए नहीं जा रहा था, मैं खुद से लड़ रहा था. मुझे लगता है उनके मायने ये है कि मैं खुद से लड़ रहा था, कुछ अलग करना था. ये नहीं है कि जी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, मैं अपने आप से. और ये अच्छी बात है, कहते हैं ना कि आप कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत करो. मुझे तो पता था मैं आज अपना बेस्ट करूंगा. तो यही कर्म था जो आपको याद है जो उन्होंने पहला थ्रो मारा, जब आपने कहा यार अमेजिंग, तो हमने बात की कि इनकी रिदम पहली में दिखी है. बेटर की पहली थ्रो में रिदम नहीं दिखी. और इन्होंने पहली थ्रो में रिदम दिखाई, दूसरी थ्रो में आपने ये दिखाया मेरे पर प्रेशर नहीं है, मैंने इससे भी बेहतर कर दिया. उसके बाद वो उस खुद भी वहां नहीं पहुंच पाए लेकिन वो कर चुके थे. एंड आई थिंक उस फील्ड में सब जानते थे कि आज की तारीख में जो भी कंडीशंस थी 87.58 कुछ मैच भी नहीं कर सकता. उन्होंने ये भी कहा कि मिल्खा सिंह द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जो हमारे बीच नहीं है उनको मैं ये मेडल डेडिकेट करता हूं. नीरज चोपड़ा ने कहा है कि मैं ये मेडल द फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी को डेडिकेट करता. लेकिन विक्रांत एक बात और आपको आज नीरज की माननी पड़ेगी. नीरज ने जो कॉन्फिडेंस दिखाया, नीरज का जो आत्मविश्वास फील्ड पर था, जिस तरह से वो चल रहे थे और जिन उनके कदमों की हमने सदे हुए कदमों की बात की, उनकी लय की बात की, उनका ये जो कंधा, हमें लगता है जवी में आप बेहतर बता पाएंगे कि सबसे मजबूत आपका ये कंधा होना चाहिए जिससे आप फेंकते हैं और सबका हाथ टेढ़ा गया. कंधा भी होना चाहिए आपकी पिवट मूवमेंट का. आप जब खेल खेलते हैं ये जो पिवट होती है ना ये सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपने जब पिवट करना है बॉलिंग में भी लोगों को लगता है कि यार कंधे में जान ना भी हो तो आप जब बॉडी आपकी पिवट करती इनका जैसे फास्ट बॉलर वाले एक्शन होता है ना ऐसे भाग के आके आपको बॉडी पिवट करनी है. तो ये देखिए ये जो पिवट है ये यहां पर आपकी जान होनी चाहिए. आपका कोर जो है वो मजबूत होना चाहिए. आपकी टांगों में जान होनी चाहिए. किसी भी खेल में जब तक आपकी टांगों में जान नहीं है आपका कोर स्ट्रांग नहीं है आप पिछड़ जाएंगे. वाह क्या बात. कंधे आपके लीन भी हो अगर आप देखेंगे जिम में बनाई जाती है जो बॉडी जो लोग इंस्टाग्राम या ट्विटर पर डालते हैं वो सिक्स पैक वो खेलों में आपको सफलता नहीं देते. अगर आप खिलाड़ियों को देखेंगे वो लीन शरीर होता है, दुबले पतले होते हैं. जितने आप मस्कुलर होंगे जितने आप हैवी हो जाएंगे नहीं डोले इतने बड़े बड़े वो फिर ऊपर जाकर आप फेल हो जाएंगे. आप ऊपर जाकर सक्सेसफुल नहीं हो सकते क्योंकि आपके जो मसल की जो अहमियत है खेल में अलग है और जिम की बॉडी में दिखाने के लिए अलग है. जो नीरज का जो जर्नी है नीरज ने जो ये मेडल है समर्पित मिल्खा सिंह को करा है क्योंकि मिल्खा सिंह जी हमारे लीजेंड थे ट्रैक एंड फील्ड में. जो मिल्खा सिंह ने इतिहास रचाया था वो ऐसे लड़के ने रचा क्योंकि मिल्खा सिंह को आज इस टाइम हमारे साथ नहीं है, जीवित नहीं है, बट उनको ऊपर जो उन्होंने नीरज ने आज गोल्ड मेडल देकर उनको श्रद्धांजलि दी है वो बहुत ही अच्छी बात है. और जो एक सपना होता है एक खिलाड़ी का ओलंपिक के अंदर जाना और ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल जीतना वो आज इस लड़के ने नीरज ने पूरा कर दिखाया. आप खेल की बारीकियों को जानते हैं जी, जिस तरीके की चुनौतियां थी और नीरज जिस तरीके से पहले ही जो जी उसमें लगभग सुनिश्चित कर लिया था अपनी पोजीशन को कैसे आप देखते हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. जो नीरज का फाइट थी वो जॉन मीटर से थी. जॉन मीटर जो कि जर्मनी से आते हैं और जो चेक रिपब्लिक दो एथलीटों से थी वो एथलीट वो कम्पीट नहीं कर पाए उनके आसपास भी नहीं रहे क्योंकि नीरज ने पहली थ्रो 87.03 लगाकर वो दबाव महसूस करवा दिया. अदर भारत के लिए उपलब्धि हासिल की है. मैं प्रदेश के नागरिकों की ओर से प्रदेश की जनता की ओर से उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ.
उन्हें बधाई देता हूं, साथ साथ फ्री स्टाइल कुश्ती में बजरंग पूनिया को आज कांस्य पदक टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ है, उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक के सर्वाधिक पदक टोक्यो ओलंपिक में जीते हैं, इसमें एक स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक की उपलब्धि अब तक भारत को हासिल हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की खेलो इंडिया खेलो की नीति के तहत खेलों के प्रति जो एक प्रोत्साहन देश के अंदर प्रारंभ हुआ, आज उसके सार्थक परिणाम ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में और अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले अपने सभी खिलाड़ियों का देश के लिए पदक प्राप्त करने वाले इन सभी प्रतिभाओं का हृदय से अभिनंदन करती है, बधाई देती है और उन सभी यानी प्रदेश के हमारे 10 खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेते प्रतिभाग किए हैं, साथ साथ जिन 7 खिलाड़ियों ने और टीम ने यह सम्मान देश के लिए हासिल किया है, इन सभी के सम्मान के लिए हम राज्य के अंदर भी एक समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। मुझे प्रसन्नता होगी अपने देश के लिए खेलने वाले इन सभी खिलाड़ियों के लिए और ख़ास तौर पर पुरुष और महिला हॉकी की पूरी टीम को प्रदेश सरकार अपने इन सभी खिलाड़ियों के साथ आमंत्रित करेगी, उनका अभिनंदन करेगी, उनका स्वागत करेगी और प्रदेश सरकार की तरफ से उन्हें सम्मानित भी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि जैसे ही लौट कर दल आता है, खिलाड़ी लगातार लौट कर आ रहे हैं अपने अपने इवेंट्स को खत्म करने के बाद, तो उसके बाद हम उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सभी को सम्मानित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया खेलो अभियान के तहत खेलों को बढ़ावा मिला है, उसका असर देखने को मिल रहा है कि आज ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। गोल्ड आज हमने जीता और ये इंडिविजुअल इवेंट में जीता, नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड दिलाया, लेकिन पूरा देश आज खुशी में झूम उठा है। जेवलिन थ्रो में सोना जीत लिया है नीरज ने और बजरंग पुनिया को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने आज ही कांस्य जीता है। पहले बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता, ब्रॉन्ज जीता और उसके कुछ ही देर बाद नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सर्वश्रेष्ठ थ्रो उन्होंने फेंका 87.58 मीटर और ओलंपिक में 100 वर्षों में ट्रैक एंड फील्ड में विक्रांत, ये पहला गोल्ड कैसा लगा, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं? अब तो शब्द नहीं है क्योंकि 13 साल बाद अगर वहां पर ओलंपिक्स के पोडियम पर आपका नेशनल एंथम बजाओ, इससे बड़ा क्या आपके पास मोमेंट होगा। 2008 बीजिंग, 2021 टोक्यो, और मुझे लगता है कि ये 7 मेडल आपको आगे के लिए प्रेरित करेंगे क्योंकि आज मैंने ये चेंज देखा है खुद जी। सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही है और टेस्ट मैच चल रहा है, मैं भी नहीं देख पा रहा हूं और मुझे पता भी नहीं है स्कोर क्या है। क्या बात, पहले ये नहीं था, आज ये चेंज आया है। यहां बैठे बैठे आप देख रहे हैं, हमारे फोन बजते जा रहे हैं, ये क्रिकेट में होता था। जयराम ठाकुर जी भी जुड़ चुके हैं इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठाकुर साहब, बधाई आपको, कंग्रेचुलेशंस, कैसा लग रहा है आज देश पूरा गोल्ड की खुशी मना रहा है? ये स्वाभाविक रूप से ये पल हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का है और हमें इस बात की खुशी है कि एथलेटिक में गोल्ड मेडल मिला है हमारे देश को और अब की बार का ओलंपिक बहुत हट करके है। बहुत सारे मेडल अभी तक जो भारत को नहीं मिलते थे वो मिले हैं, 7 मेडल शायद, अगर मैं ठीक हूँ तो। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, आप 7 हो गए हैं। 7 हो गए हैं तो ये अच्छा एक संदेश है उस दिशा में कि खेल में इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी हम बहुत आगे नहीं थे, पीछे थे,
और उसमें आगे बढ़े हैं और गोल्ड मेडल की तो स्वाभाविक रूप से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ चोपड़ा जी को और उनके परिवार को और उनकी सारी टीम को। बहुत अच्छा लगा ठाकुर साहब, आप देश की इस खुशी में आज खुश हैं। सभी कई राज्यों के मुख्यमंत्री हमसे बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे ही खिलाड़ी आएंगे हम उनको सम्मानित करेंगे। अभी योगी जी हमारे साथ थे, मनोहर लाल खट्टर जी थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी थे। आपका कोई प्लान? आप मैं शिमला बुला करके उनको सम्मानित करना चाहूंगा और हिमाचल प्रदेश में वो अगर इस थकान के बाद, इस लंबी इस संघर्ष के बाद वो अगर आराम करना चाहें तो आए और उनका स्वागत है। बहुत नहीं, बिल्कुल ठाकुर साहब की बहुत अच्छी बात है। सरकार की ओर से एक हफ्ते जितना दिन उनको रुकना है तो रुके। हाँ, अभी तो खैर हिमाचल में काफी बाढ़ और बारिश है, पहाड़ दरक रहे हैं, लेकिन कुछ दिन इंतजार करने के बाद आपका ये प्रस्ताव हम उन खिलाड़ियों तक जरूर पहुंचा के और आपको मेजबानी करने का सुख प्राप्त होगा। सर बहुत धन्यवाद जयराम ठाकुर जी आज तक से बातचीत करने के लिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। खुशी व्यक्त आज हर आम खास कर रहा है भारत वर्ष का, और ये जो तस्वीर इस वक्त आप आज तक पर देख रहे हैं ये वो नीरज ठाकुर हैं, ये वो युवा है जिसने आज पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, जिसने आज एक ऐसा भाला फेंका है जिसका मुकाबला दुनिया के 12 दिग्गज खिलाड़ी, 12 देशों के दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाए। और ये वो दो खिलाड़ी हैं चेक रिपब्लिक के जो सिल्वर और ब्रॉन्ज जिन्होंने जीता, लेकिन वो नीरज के आसपास नहीं पहुंच पाए हैं। एक जबरदस्त लीड नीरज ने आज ले ली थी शुरू से ही। प्रेजेंटेड बाय